सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के ऊपर हुए हमले में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के और ओम प्रकाश राजभर की सुरक्षा के संबंध में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह के नेतृत्व में पार्टी का एक डेलीगेशन जिलाधिकारी से मिला और एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश एवं विधायक जहूराबाद ओम प्रकाश राजभर अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर रहे थे, जिसमें ग्राम सभा के पास हथियारों से लैस कुछ लोगों ने जान से मारने की नीयत से ओम प्रकाश राजभर पर हमला कर दिया। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हुए तो हमलावर वहां से फरार हो गए। घटना से पूरे प्रदेश की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा न हो, इस बात को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन देने वालों में मनीष कुमार, पप्पू सिंह, जितेंद्र सिंह, नरेश कुमार, अशोक कुमार आदि लोग मौजूद रहे। हमारी मांग जो है, आजकल उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है मनमानी ढंग से चल रही है और कोई नियम कानून इस सरकार में नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कल अपने विधानसभा के जहूराबाद जनपद गाजीपुर में भ्रमण पर थे और उसी में कुछ राजपूतों ने उन्हें घेर पर मारने की कोशिश करी थी। इसलिए जो है आज उसी के विरोध में जब तक वो लोग पकड़े नहीं जाते हैं, जब तक हमारी पार्टी इसी तरह अनशन करती रहेगी और धरना प्रदर्शन कर रही है और अवस्था पड़ने पर भूख हड़ताल भी करेगी। मुख्य मांग हमारी आज यही है।